हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है टू ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर कॉइल एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। यानी इसमें हमने दो काम करने हैं। नंबर वन पे हमने जो सर्कुलर कॉइल होगी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हमने पेपर के ऊपर ट्रेस करना है। और नंबर टू पे हमने उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। इसके अपरेटस में हमें चाहिए वुडन बोर्ड विद सर्कुलर कॉइल अटैच्ड, रियोस्टैट, एमीटर, मैग्नेटिक कंपस, बैटरी, स्विच और A4 साइज पेपर। तो इस तरह से हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये बैटरी है, ये जो रेड वायर है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और जो ब्लैक वायर है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल को हमने आगे अटैच किया रियोस्टेट के वन एंड के साथ और जो दूसरा एंड है रियोस्टेट का उसको हमने आगे अटैच किया इस वुडन बोर्ड के साथ। और जो वुडन बोर्ड का दूसरा टर्मिनल है उसके ऊपर लिखा हुआ 50। यानी कि अब जो हमें नंबर ऑफ टर्न मिल रहे हैं कॉइल से वो मिल रहे हैं 50, ठीक है। तो इस सेकंड वाले टर्मिनल से हमने वायर को आउट किया है और हमने आगे जाके अटैच किया है एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और जो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने आगे अटैच किया की के साथ और की को आगे अटैच किया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो एमीटर में भी डिफ्लेक्शन शो होगी और जो कॉइल होगी उसमें से करंट पास होने की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कंपास की मदद से ट्रेस करके पेपर के ऊपर उसको ड्रा करेंगे और उसके बाद उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी हम फाइंड करेंगे। ये वुडन बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर ये कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग की हुई है, यह आप देख सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग इसके ऊपर की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे चार टर्मिनल नज़र आएंगे, ठीक है। इसमें अगर आप जो बैटरी की नेगेटिव साइड है, नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो अगर आप इसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो अगर आप इसके साथ अटैच कर देते हैं तब आपको जो नंबर ऑफ टर्न मिलेंगे कॉइल के वो मिलेंगे 50। यहाँ पे लिखा हुआ है 50, यानी कि 50 नंबर ऑफ टर्न आपको मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव इसके साथ अटैच करते हैं और पॉजिटिव को इसके साथ अटैच करते हैं तब आपको जो नंबर ऑफ टर्न मिलेंगे कॉइल के वो मिलेंगे 75। और अगर आप फर्ज करें इसके साथ अटैच करते हैं तब आपको नंबर ऑफ टर्न मिलेंगे 100। इसका जो डायमीटर है इस कॉइल का वो है 9.4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस आ जाएगा D/2 यानी के 4.85 सेंटीमीटर। तो अब हमने ये जो पेपर है A4 साइज का पेपर इसको हमने अटैच करना है यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर। तो बोर्ड के ऊपर इस पेपर को अटैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मिडल में आपको एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे आपको कट लगाना होगा, ठीक है। उसके लिए आपने ये जो नाइफ कटर इसको आपने यूज करना है और देखें यहाँ से ये जो कॉइल है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यानी कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है कट, ठीक है। इसको ऐसे लगाते जाएंगे कट और यहाँ तक अराउंड बाउ, ठीक है। यहाँ पे ये कॉइल एंड हो रही है तो यहाँ तक। उसके बाद थोड़ा सा आगे करके एक और लगाएंगे कट और उसके बाद इनको आपस में इस तरह से आपने कट कर देना, तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो अब आपने इसको कॉइल के ऊपर ऐसे लगाना है, देखें, ठीक है। उसके बाद आपने टेप के जरिए से इस पेपर को बोर्ड के ऊपर फिक्स कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने ये जो कॉइल है इसको हमने अलॉन्ग मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट करना है, यानी कि इसको अलॉन्ग नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने इसकी अलाइनमेंट करनी है। तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे कंपस। कंपस के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रेड कलर की ये जो इसकी साइड है ये रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्थ पोल को और वाइट कलर की साइड रिप्रेजेंट कर रही है साउथ पोल को, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो नॉर्थ पोल है वो है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और जो साउथ पोल है वो उधर है, ठीक है। अब हमने ये जो कॉइल है इसका भी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा उनको भी हमने इसी कंपस के रेफरेंस से सेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कंपस को रखें और उसके बाद ये जो की है इसको आप इंसर्ट करेंगे। देखें जैसे की को इंसर्ट किया ये जो नॉर्थ पोल था वो पहले इस डायरेक्शन के अंदर था, अब जो नॉर्थ पोल है वो उधर को चला गया, यानी कि जो ये जो कॉइल है ये इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रही है। डेफिनेटली ये जो साइड है इधर फिर साउथ पोल बन गया है, लेकिन हमने ये जो साउथ पोल है इसको हमने साउथ पोल वाली डायरेक्शन के अंदर सेट करना है। एक तो ये मेथड है कि हम पूरे वुडन बोर्ड को रोटेट कर दें, दूसरा ये कि हम यहाँ से इनकी जो करंट की डायरेक्शन है उसको हम चेंज कर देते हैं। जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो उससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि फिर क्या होगा, फिर जो नॉर्थ पोल होगा वो इस वाली साइड पर आ जाएगा कॉइल का। अब हमारा जो नॉर्थ पोल है वो इस वाली साइड पे आ चुका है और जो साउथ पोल है वो इस वाली साइड पे आ चुका है, लेकिन अब हमें इसकी थोड़ी सी एंगल इसका चेंज अभी भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी एग्जैक्ट नॉर्थ पोल या साउथ पोल की साइड पे बिल्कुल उससे थोड़ा सा एंगल इसका अभी चेंज है। तो उसको अभी चेक करने के लिए इस की को हम दोबारा एक दफ़ा लगाएंगे
इस की को दोबारा लगाएंगे और साथ में आपने कंपास की नीडल को देखना है। अगर तो ये डिफ्लेक्शन जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, इसका मतलब ये कि ये जो कोयल है ये एग्जैक्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलाइनमेंट में है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगी तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा इस बोर्ड को चेंज, इसकी जो पोजिशन है हमें इसे चेंज करना पड़ेगा ना। देखिए इसकी जो डिफ्लेक्शन है थोड़ी सी चेंज हुई है, इसका मतलब इसको हमें हल्का सा रोटेट करना पड़ेगा इस साइड पर, ठीक है। तो वो की को निकाल के दोबारा से इसको चेक करेंगे, एक दफ़ा दोबारा से इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा से फिर रोटेट करेंगे, अब यहाँ पे नोट करें ज़रा, ये जो मैग्नेटिक कंपास है हमने यहाँ पे की को इंसर्ट भी किया, लेकिन इसके बावजूद ये जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है इसमें किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं आई। इसका मतलब ये है कि इस कॉइल का जो फील्ड है और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलाइनमेंट इनकी हो चुकी। तो इसकी एक दफ़ा से आप मार्किंग कर देंगे यहाँ पे, फोर्थ करें वर्किंग के दौरान आपका जो बोर्ड है वो थोड़ी सी इसकी जो पोजीशन है चेंज होती है, तो दोबारा से आप उसके रेफरेंस से, उस मार्किंग के रेफरेंस से आप इसको दोबारा से सेट कर लेंगे इजीली। जब हम इस की को क्लोज करेंगे तो हमारा जो सर्किट है वो कम्प्लीट हो जाएगा और कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो की है इसको आपने क्लोज करना है। अब आपने रियोस्टेट को स्लाइड करके यहाँ पे स्टार्ट पे लेके आना, क्योंकि एमीटर की इसकी जो रीडिंग है वो है 0.24 एम्पीयर। उसके बाद अगली रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो रियो स्टैट उसको आगे आस्ता आस्ता मूव करते जाएंगे और अगली रीडिंग लेते जाएंगे। अब हम इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम ट्रेस करेंगे इस पेपर के ऊपर। तो उसके लिए आपने ये जो कंपास है इसको सबसे पहले आपने यहाँ पर रखना है, आपने अब वेट करना है कि ये स्टेबल हो जाए। आपने ये वाली जो नीडल है इसके सामने आपने यहाँ पर एक छोटा सा डॉट लगा देना है। अब आपने इस कंपास को ऐसे पकड़ के यहाँ पर रखना है, यानी ये वाली जो साइड है आप कंपास की ये इस पॉइंट के बिल्कुल सामने होनी चाहिए। अब आपने इसके आगे दोबारा फिर एक पॉइंट मार्क करना है। इसी तरीके से आपने इस कंपास को ट्रेस करते जाना है और इस तरह से आप कॉइल के दूसरे पोल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने दोबारा से फिर इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट कर देनी। अब आपने इस पेपर को निकालना है इधर से, तो अब आपने ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाले पॉइंट्स हैं यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे कि ये वाले जो फर्स्ट वाले इनको आपने सबसे पहले ज्वाइन करना है, उसके बाद आपने सेकंड वाले, फिर थर्ड वाले, इस तरह से आपने इनकी ज्वाइनिंग करनी है। तो पहले अभी फर्स्ट वाले कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे मैंने ट्रेस कर लिया। इसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डायरेक्शन कैसे देनी है, यानी कि इसके ऊपर जो एरो के साइन आपने किस तरह से लगानी है, उसके लिए आप इसको एक दफ़ा दोबारा लगाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉइल है ये नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि ये जो रेड कलर होता है ना ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यानी कि इधर कौन सा फिर पोल होगा इधर कॉइल पे, वो साउथ पोल होगा, क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। तो साउथ पोल में हमेशा जो लाइन होती है वो इन होती हैं, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल होता है उससे लाइन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन वो आउट होती है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला अभी साउथ पोल है इस जगह पे, इस वजह से ये जो लाइन होगी इधर से सारी इन होगी इधर, ठीक है। यानी कि आप एरो को इस तरह से बनाएंगे। और जो दूसरी साइड होगी जैसे कि ये वाली, यहाँ पे ये जो वाइट कलर का इसका जो पार्ट है इसको ये जो कोयल है इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये जो व्हाइट कलर वाला पार्ट है ये साउथ पोल है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब इधर से ये जो है नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होती है वो आउट होती है, तो इस वजह से यहाँ से आप आउट करेंगे। तो इस तरह से आपने बाकी सारे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपने इसी तरह से देनी है। यहाँ पे मैंने कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। अब उसके बाद उस कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो उसके लिए सबसे पहले हमने वैल्यूज पुट करते हैं। डायमीटर ऑफ द कॉइल वो है हमारे पास 9.4 सेंटीमीटर। सेकंड वैल्यू में हम लिखेंगे 9.4, थर्ड में भी 9.4। अब मेन डायमीटर आ जाएगा 9.4 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ द कॉइल आर इज इक्वल टू डी बाई टू, 4.85 सेंटीमीटर। को डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 0.0485 मीटर। उसके बाद करंट थ्रू द कॉइल आई इज इक्वल टू वो था 0.24 एम्पेयर, ठीक है, 0.24 एम्पेयर। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एन इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ टर्न जो कॉइल हमने यूज की थी उसके नंबर ऑफ टर्न थे 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50।
उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, तो बी इज इक्वल टू 2 पाई n i डिवाइडेड बाई 10 r, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 आगे मल्टीप्लाइड बाय 3.14, पाई की वैल्यू लगा दी, उसके बाद n हमारे पास है 50, उसके बाद करंट 0.24 और डिवाइडेड बाय 10 r। जब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75.36 और नीचे आंसर आ जाएगा 0.485। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल टू 15538 t। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास वैल्यू आ गई 155.38 टेस्ला।